स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी के YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी जॉब एप्लीकेशंस क्लोज होने वाली है 31 मई तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहली एप्लीकेशन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट। इसमें 18 वैकेंसीज ओपन हुई है। एग्जाम अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे कि आपकी एज ग्रुप 18 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर आर्ट्स साइंस कंप्यूटर या कॉमर्स होनी चाहिए, प्लस आपकी मैट्रिकुलेशन डिग्री होनी चाहिए जो कि आपको हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके अलावा एक थर्ड रिक्वायरमेंट ये है आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक्सेल में आपको वर्क करना आना चाहिए, आपके पास वर्ड में वर्क करना आना। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स की है यदि आप एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। और इसमें हम वापस आपको याद दिलाते हैं 18 वैकेंसीज की ओपनिंग है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान सबॉर्डिनेट रिक्रूटमेंट। इसमें अप्लाई करने के लिए 180 वैकेंसीज की एप्लीकेशन ओपन है। एग्जाम अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 मई। और यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए 18 to 40 ईयर्स। नेक्स्ट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास देवनागरी फॉन्ट की कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर में देवनागरी फॉन्ट यूज करना आना चाहिए, और आपके पास नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर होना चाहिए, यानी कि आपके पास राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी ग्रामीण सेवक रिक्रूटमेंट। इसकी एप्लीकेशन की आखिरी डेट है 4 मई। इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए 2-2 वैकेंसी की ओपनिंग है। यदि आप इस एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज ग्रुप 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपके रिक्रूटमेंट आंध्र प्रदेश में होगी। और इस एग्जाम अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th क्लास सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपके कोई भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड में से हो सकती है। प्लस आपके पास इसमें एक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा काउंट करेगी, जिन लोगों ने 10th क्लास को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एज ग्रुप आपका 18 to 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा HSSC रिक्रूटमेंट। इसके लिए 1649 वैकेंसीज ओपन हुई हैं। और इसमें एग्जाम अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपकी एज ग्रुप 17 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है कि आपके पास फायर फाइटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोर्स किया हुआ होना चाहिए आपने कहीं से, और मतलब कि किसी गवर्नमेंट बॉडी से जो कि इंडिया से है। और एक और इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का परमिट होना चाहिए। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपके पास हिंदी या संस्कृत कंपलसरी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी 10th क्लास में। एग्जाम अप्लाई करने की आखिरी डेट है 6 मई। हमारी नेक्स्ट ओपनिंग है RAS प्रीलिम्स एग्जाम। इसकी एग्जाम अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 मई। RAS प्रीलिम्स के थ्रू 980 वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज वो है आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, लेकिन जो 980 पोस्ट की वैकेंसीज है उसको अप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और एज ग्रुप्स हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। तो यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमको अपना सबमिशन रिक्वेस्ट दे सकते हैं और हम आपको इसके बारे में जानकारी आपको एक PDF फाइल में प्राप्त कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है SBI PO। इसमें 2118 वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है, जिसमें 118 जो है वो की PW वैकेंसीज हैं। SBI PO एग्जाम अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 13 मई। और आप यदि इस एग्जाम के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे एग्जाम पेज के लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं और उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। और इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए मैं आपको कुछ उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एग्जाम अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी एज ग्रुप 21 से लेके 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और SBI PO में यदि आप आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यदि इसके बारे में और जानना चाहते हो, जैसे मैंने पहले कहा, आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के बारे में क्लिक कर सकते हैं और हम आपको इस एग्जाम के बारे में हमारे एग्जाम पेज पर डायरेक्टली जाके विजिट भी कर सकते हैं। इस एग्जाम अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 मई। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं CAPF। CAPF में 398 पोस्ट की वैकेंसीज ओपन हुई हैं और एग्जाम अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 मई। नेक्स्ट हमारा बिहार पुलिस जॉब्स। इसमें हमारे पास 174 वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है। यदि आप इस एग्जाम को अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि एग्जाम अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 मई। इसके बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि इसको यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज ग्रुप 18 to 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और इसमें जो वैकेंसीज ओपन हुई हैं, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की जॉब वैकेंसीज ओपन हुई हैं, जिसमें कि 110 मेल वैकेंसीज हैं और 64 फीमेल वैकेंसीज हैं। यदि हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से ऑफ इंडिया से, जैसे कि CBSE, ICSE
किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। लास्ट हमारा है हरियाणा पुलिस जॉब्स, इसमें 7,110 वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है और एग्जाम अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 मई। और इसमें मिनिमम जो आपकी एक ही क्वालिफिकेशन जिसके बारे में हम श्योरली कह सकते हैं वो है कि आपकी एज ग्रुप 18 to 25 ईयर्स के बीच में होना है। ऐसे इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन अलर्ट्स और जॉब बेस्ड वीडियोस के देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। अगर आप इसी को हमारे चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। और यदि आप हमारे से कोई स्पेसिफिक एक लिस्ट चाहिए या कुछ भी आप को रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारा जो वीकली वेनेसडे क्विज होता है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी तरफ से आपको ऑनलाइन तैयारी प्लस विनर को जो ऑनलाइन तैयारी प्लस का पैकेज दिया जाता है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।